आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अक्षय कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो हम ऑलरेडी दो चैलेंजेस अपने कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम तीसरा जो चैलेंज है वो 17 जनवरी से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर ना, ठीक है, जो भी 25 दिन के आसपास का रहेगा। ठीक है, हम पिछले दो चैलेंजेस में क्या क्यों मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो नए होंगे और कुछ लोग जो होंगे जो ऑलरेडी दो चैलेंजेस कंप्लीट कर चुके होंगे, एक चैलेंज कंप्लीट किए होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे जो नए हैं उनको एक बार आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से करते हैं, और जो कर चुके हैं उनको भी एक बार अच्छा फील हो जाए कि हाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वही आपका मोटिवेशन बनता है बाद में। ठीक है, तो पहले चैलेंज में हमने 15 दिन का चैलेंज था जिसमें हमने सिर्फ मैथ्स किया था, क्योंकि थोड़ा वार्म अप था वो ना, जिसमें हमने मैथ्स के 2023 के एसएससी प्री के क्वेश्चन सारे लगाए थे जो कि अप्रोक्स 1000 क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर आप 39 शिफ्ट मान लो इंटू 25 कर लो तो आपके 1000 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे। उसका सेकंड चैलेंज में हमने अपने सब्जेक्ट वगैरह थोड़ा एक्सपेंड किया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैथ्स और जीके की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको जीके में बता दूंगा सोर्सेज वगैरह, बाकी मैं कुछ चीजें इंक्लूड कर देता हूँ जिससे थोड़ी आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहे, थोड़ा आप मेरी वजह से कर पाओ, अदरवाइज आपको इंग्लिश रीजनिंग ये सब आपको खुद से ही करना है, कोई आप कोर्स कर रहे हो आप खुद से करो ना, तो आपको हर चीज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैथ्स और जीके के लिए मैंने जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी कंप्लीट किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 80% टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट वीडियोस देख के। इसके बाद हमने फिजिक्स के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पीवाईक्यू ही ज्यादा मेन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना, बाकी हम लुसेंट से भी कर लेंगे जो चीजें बच जाएगी। इकोनॉमिक्स में जो चीज जरूरी है वो हम सब कुछ ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं लुसेंट प्लस पीवाईक्यू प्लस वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ हमने मैथ्स के सीजीएल मेंस के लास्ट 5 ईयर के सारे क्वालिटी क्वेश्चंस लगा लिए थे बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स के। इसके बाद वो कैप्स में आपको डेली देता था उसको हम करते थे 30 30, अरे सॉरी मैं दो दो वो कैप देता था, आप डेली करते थे और एक वो कैप में करीब आप समझ लो 20 25 वर्ड्स होता था उसके एंटो और साइनो को लेके। तो ये हो गया आपका प्रॉपर पिछले दो चैलेंजेस का। अब हम इस चैलेंज में क्या करेंगे मैं आपको बता दूं ध्यान से। अब जो जो इस चैलेंज को फॉलो करा बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेगा पूरी, क्योंकि मैंने हर चीज बता रखा है कि आपको क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है, जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उन सब चीजों में, इसलिए बहुत ही जरूरी है आपको वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना। ठीक है, अब इस चैलेंज में हम क्या करेंगे, 25 दिन का होगा, इसमें हम एडवांस मैथ्स करेंगे कंप्लीट। देखो मेंस के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो अभी वो दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं, अभी हम प्री को टारगेट करेंगे क्योंकि प्री में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके लगभग सारे वैरायटी कवर हो जाएगा उसमें प्री में भी, क्योंकि लेवल सेम ही होता है। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स में हम वीडियो लेक्चर देखेंगे, साथ में हम 2023 और 2022 के क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू, क्योंकि एडवांस मैथ के जो टॉपिक्स है ना उसके क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं, तो आप 2 ही साल का अभी करो, उसके बाद हम फिर पीछे जाएंगे और अभी के लिए 2 साल के करते हैं। जिनको आता है वो सिर्फ क्वेश्चंस करेगा, उनको वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत लोग भूल भी चुके होंगे तो आप एक बार रिविजन की तरह देख सकते हो। ठीक है, पॉलिटी का क्या है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, कहां से आपको क्या देखना है कहां से आपको क्या करना है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पॉलिटी में हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे और शेड्यूल्स करेंगे, जो कि आपका 70% ऑफ पॉलिटी है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे, मैं आपको एक वीडियो लेक्चर सजेस्ट कर दूंगा, वहां से आप एक बार पूरे सब्जेक्ट का आइडिया ले लोगे, उसके बाद हम एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा उससे हम करेंगे कंप्लीट, और पीडीएफ वगैरह मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा पीडीएफ कैसी है उसकी क्वालिटी कैसी है ना, क्वालिटी मतलब क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपको क्या चीजें नहीं पढ़नी और क्या चीजें पढ़नी है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखना। इसके बाद हम स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के तीनों को मिला के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर जैसे 25 दिन है तो 25 टॉपिक्स हम करेंगे, समझ रहे हो, 25 से ज्यादा करेंगे 30 के आसपास करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स दो करेंगे एक दिन में, तो इसलिए मैंने इन तीनों को मिक्स करके आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, कुछ इंडोलॉगस से पीडीएफ मिल जाएगी कुछ मैं अपनी इधर उधर से ढूंढ के आपको दे दूंगा। अच्छा, डेली वोकैब में हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने मैं आपको डेली दो वोकैब देता था, निमोनिक्स मुझे जो याद था वो मैं आपको बता देता था, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे आप देखे होंगे कि मुझे कम निमोनिक्स याद है, क्योंकि मैं निमोनिक्स मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं और बाद में मैम ने भी काफी कम निमोनिक्स बताए थे, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको वीडियो लेक्चर आपको एक मुझे दिखा कि समुद्र मंथन जो बैच है उसकी वीडियोस पढ़ी है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे आपको भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको लिंक दे दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हो कंप्लीट। अब आपको देखो वो अगर 21 लेक्चर है वहां पे अभी तक और भी आ जाएंगे आगे ना, तो उसमें क्या है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम मेरा लग जाएगा, बहुत ज्यादा घंटा लग जाएगा, सपोज अगर 21 लेक्चर है तो आपका सपोज मान लो 28 29 घंटे का होगा टोटल, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको हर चीज ही देखना है, जैसे शुरू में ना 10 मिनट टीचर अपना बताता रहता है कोर्स वोर्स के बारे में
बीच बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती रहती है, तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी है, आपको 2x पे देखना है, आपको नोट डाउन करना है वर्ड्स। पहले आपको क्या दिखेगा, वर्ड्स, वर्ड्स पहले पूरा नोट डाउन कर लो, उसके बाद आपको निमोनिक्स बताते चलेंगे, उसको नोट करना है बस। आपको फालतू चीजें नहीं देखनी है, आपको सिर्फ अपने काम की चीजें देखनी है, क्योंकि आपको जल्दी चीजें कंप्लीट करना, आपके पास समय नहीं है इतना ज्यादा। तो अगर वो 26-27 घंटे है तो आपको आके आपका 16-17 घंटे ही रह जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 16-17 घंटे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप डेली 1 घंटा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे आप कर लेना। हम क्या करेंगे, एंटो साइनो हम PYQ करेंगे, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, मतलब जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम करेंगे, सिर्फ एंटो और साइनो करेंगे। आपको मैं एक और चीज बता चुका हूं कि मैंने सिर्फ आपसे पहले भी बताया है कि मैं आपको मैथ्स और जीके जीएस की जिम्मेदारी मैं लिया हूं आपकी ना, बाकी चीजें आपको खुद से ही करनी है। मैं कुछ चीजें इसलिए ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे डेली वोकैब ऐड किया है, पिछले वाले में मैंने आपको रीजनिंग के मॉक्स भी ऐड किया था, तो मैं इसलिए सिर्फ ऐड कर देता हूँ जिससे आप मेरी वजह से भी कुछ चीजें और कर पाओ। लेकिन अब जैसे इडियम फ्रेज और OWS नहीं करा रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेरे पे डिपेंड हो जाओ कि मैं ही हर चीज कराऊंगा। मैंने मैथ्स और जीके जीएस की जिम्मेदारी ली है, बाकी एक तो चीज मैं इसलिए ऐड कर देता हूँ जिससे आप मेरी वजह से भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाओ। तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी, ये सब चीजें हम आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम ऐसे टॉपिक्स करने वाले हैं। टोटल 25-26 टॉपिक्स रहेंगे ना, जिसको हम कंप्लीट करेंगे इन दिनों में ना। तो ये आप टॉपिक्स पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ PDF हम इंडोलॉगस की यूज करेंगे, कुछ मैं इधर उधर से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा ज्यादातर, कुछ आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप SSC के लिए इंग्लिश पढ़ते हो, कोई चीज आप समझ जाओगे इजिली, ठीक है। अब आ जाओ वोकैब में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वोकैब आप जब खोलोगे तो हम डेली 200-200 वोकैब करेंगे, पहले साइनो करेंगे फिर एंटो करेंगे। तो 200 वोकैब का मतलब ये नहीं कि आपको 200 वोकैब याद करना है। इसमें देखो ये हाइलाइटेड वर्ड है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये हाइलाइटेड वर्ड है, ये हाइलाइटेड वर्ड आपको यही देखना है जो हाइलाइटेड है, क्योंकि ये एक से ज्यादा बार रिपीट हो, जैसे ये देखो 3 बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, ऐसे। तो आपको सिर्फ ये हाइलाइटेड वर्ड्स ही पढ़ने हैं, समझ रहे हो। तो अगर 200 मैं बात करूं, जैसे अगर आपको 1 से 200 साइनो पढ़ना है, तो इसमें आपके मेरे ख्याल से 30 से 35 वर्ड्स ही ऐसे होंगे जो हाईलाइटेड होंगे, हाईलाइटेड मतलब जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आपको वही पढ़ना है। और ये बुक ब्लैक बुक है, जिसके पास कोई बुक नहीं है अगर वो कैब की, तो वो ब्लैक बुक खरीद ले, और जिसके पास कोई बुक है तो आप उस हिसाब से अपना पढ़ लो। जैसे आप 30-30 वो कैब कर लो ना, ऐसे आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो चीजों को। मैं ब्लैक बुक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बुक ज्यादातर लोग के पास होती है, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि ब्लैक बुक ले लो अगर ना हो तो, अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है तो, ठीक है। अब आ जाओ एडवांस मैथ्स पे, पहले मैं आपको PDF दिखा देता हूँ ना, जो PDF की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की और पॉलिटी की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, हाँ ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी है, ये ओनली IAS की है भी PDF, एक जगह बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कंटेंट के बारे में बता दूँ कि कंटेंट मेरे इधर आपको एकदम बेस्ट ही मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे जगह से ढूंढ के अपने लिए रखा था जो मैं पढ़ता था, और उसी में से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, समझ गए ना। इसलिए अब आप देखो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं लाइन से, देखो आपको DPSP तक तो सारे आर्टिकल आपको याद करने ही करने हैं, कोई भी आर्टिकल पूछ सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको एक बार देख लेना है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है ना इस ड्यूटीज में आपको आपको पूछ लेता है क्योंकि इसमें से कौन सी ड्यूटी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसलिए आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन ड्यूटीज है, बस आपको एक बार मेमोराइज करना है बस, बाकी आपको सारे आर्टिकल लगभग याद करने हैं DPSP तक, मतलब 51 तक आपको सारे याद करने हैं। इसके बाद आ जाओ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे देख लो थोड़े बहुत आर्टिकल है ना, अच्छा इधर के इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़े ना, लेकिन ऊपर के यहाँ तक 80 तक इंपॉर्टेंट है, 79-80 आपको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि जो 3-4 दिन आपके पास है 17 तारीख तक, आप अपना PYQ बुक जो भी है आपके पास, आप पॉलिटी के और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे देख डालो, जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाए कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वैसे इसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जिसमें आपके एक दो इंपॉर्टेंट है शुरू के, आपको बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, 143 वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ आप देखो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स नहीं लिखे, जैसे 142 नहीं लिखा है यहाँ पे, ये नहीं लिखा है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही हैं, तो आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे इसी में आगे फिर आपको क्या दिया हुआ है, अमेंडमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दिए हैं आपको। मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको हाईलाइट करके ये PDF दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको हाईलाइट करके ये PDF भेज दूंगा, समझ लो। वैसे भी इसमें इंपॉर्टेंट लिखे, जैसे यहाँ पे 11 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ही है ज्यादातर, समझ गए, लेकिन फिर भी मैं जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं हाईलाइट करके आपको PDF दे दूंगा। तो ये PDF
इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको कंप्लीट जो पॉलिटी में हमें पढ़ना है सब कुछ ही इसमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो देखो लूसेंट हम नहीं करेंगे, लूसेंट आपके अगर आप लूसेंट करना चाहो लूसेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट थोड़ी बल्की है। इसमें देखो 108 पेज है, उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा पेज होगा, मेरे ख्याल से 50-60 नहीं तो 50-60 25 मतलब 30-40 पेज होगा, लेकिन उसमें जो फॉन्ट है ना छोटा छोटा रहता है तो बराबर एक चीज़। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छी अच्छी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि ये IAS वाली PDF है तो आपको उससे डरना नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने अभी इकोनॉमिक्स का लेक्चर सजेस्ट किया, वो भी IAS का था, लेकिन आपको पढ़ के पता होगा कि वो कितना अच्छा लेक्चर्स था, ठीक है। अब आपको इसमें क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, अगर मैं थोड़ा इंग्लिश में खोल लूँ ना, मुझे थोड़ा इंग्लिश में अच्छा लगता है ना, ठीक है, तो मैं आपको क्या चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा जब आप PYQ देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका रीजन होता है रीजन बताओ क्या रीजन थे इनके डिक्लाइन होने की, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फैक्चुअल चीजें ही इंपॉर्टेंट है। और फैक्चुअल चीजें यहाँ पे देखो इसमें हाईलाइट भी की हुई है, आप देखो यहाँ पे वास्को डी गामा कब आया था ना, कहाँ पे आया था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। इसके बाद यहाँ पे गवर्नर है वहां का पोर्तुगीज का, पहला गवर्नर कौन था, दूसरा कौन था, क्योंकि दूसरे और किसने कैपिटल शिफ्ट की थी ना, ये सब चीजें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हाईलाइट होती है जो इंपॉर्टेंट। देखो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मतलब नहीं है, ये सब UPSC की चीजें हैं। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सी रूट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, समझिए। अब यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे फक्स फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी ना, ये चीजें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी ना। वाई द इंग्लिश, वाई हमारा वाई वही बिकॉज, ये सब हमें इन सबसे मतलब नहीं है, क्या रीजन रहे ये सब चीजें से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फैक्चुअल डेटा से मतलब है, तो समझ गए। तो इसीलिए आपको जैसे यहाँ पे है अब हर चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे हाईलाइटेड चीजें, तो आपको वही चीजें पढ़नी है जो हाईलाइट है या उसके आसपास की चीजें आपको पढ़नी है, जो रीजन बताओ क्या रीजन रहे क्या फैक्टर्स रहे ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे, जैसे आप पढ़ोगे तो आप समझते चले जाओगे। इसके बाद आपका कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, आपके कौन से उसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस सेशन में कौन प्रेसिडेंट था, कहाँ पे हुआ था, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट वार्ड्स वगैरह जो कुछ चीज़ों के आपके नोट्स बनाने में बता दूंगा, जो मैं डेली टारगेट बताऊंगा उसमें बता दूंगा कि आप इस चीज़ों के नोट्स बना लो, आप पहले ग्रुप में बना सकते हो, दूसरे ग्रुप में बना सकते हो, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग को चैप्टर का आइडिया होगा, सब्जेक्ट का आइडिया होगा, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट नोट्स बना सकता है, क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड ट्रीटीज है, इसको आप नोट्स बना लोगे तो आप ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। ये सब रिवर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, नहीं भी भेजूंगा तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो ये आपका हो गया, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और आपको पॉलिटी की कंप्लीट PDF दिखा दी है ना, और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अब हम आ जाते हैं वापस इस पे अपने, ठीक है। तो अब हम क्या क्या कर चुके हैं इस चैलेंज में, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पॉलिटी दिखा दिया, आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री दिखा दिया, स्टैटिक GK का मैंने आपको बता दिया क्या क्या भेजना है, आपको मैंने एंटो साइनो को बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आपको हाईलाइटेड वर्ड्स ही पढ़ने हैं और एंटो साइनो हम कंप्लीट करेंगे डेली 200 वर्ड्स, 200 का मतलब है कि उसमें 30-35 वर्ड्स ही हाईलाइट होंगे, आपको वही पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम आ जाते हैं एडवांस मैथ्स पे। तो एडवांस मैथ्स बहुत लोग मेरे लेक्चर देख चुके हो और आपको पता है कि वो लेक्चर्स कैसे हैं, आप कमेंट करके जरूर बता दो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे, जिससे बाकी लोग को भी आइडिया लग जाए, ठीक है। मैंने लास्ट 5 ईयर के सारे ही चीजें कवर की हैं, ये आपका टॉपिक है किसका, ये आपका एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। एक टॉपिक मैं अभी देख रहा था ना तो मैं भूल गया हूँ, उसको मैं कवर करा दूंगा, आपको टेंशन की बात नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस रह गया उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, आपको मिल जाएगा जल्दी ही, 3-4 दिन में आपको मिल जाएगा उसका भी वीडियो, समझ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल 13 घंटे हैं, 13 घंटे में मैंने आपके सारे टॉपिक्स, अगर आप इसको भी ऐड कर दो ना तो आपके 14 घंटे हो जाएंगे, बस आपके 14 घंटे में मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका एडवांस मैथ, आपको इससे बढ़िया कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। लास्ट 5 ईयर के मैंने सारे ही टाइप्स कवर किए और आपको कोई फालतू बात नहीं मिलेगी, सीधी बात नो बकवास वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको रिविजन भी करना है वो यहाँ से कर सकता है, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे उसके, जिसको एकदम ही अच्छे से आता है सब कुछ ही आता है तो सिर्फ क्वेश्चन देख सकता है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सब कुछ याद है तो आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें हो सकता है GK GS के लिए कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप इसको अगर आपकी मैथ अच्छी आप कहीं से कर रहे हो अपना, आपका कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, जिस चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि आप पढ़ो ये करो वो, ये सब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है, और ये जो है ना बेसिक से, ऐसा कोई नहीं है कि
एकदम ही बेसिक से नहीं है, क्योंकि अगर जैसे किसी को थीटा का मतलब नहीं पता है ना, किसी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है ना, तो ये सब चीजें उसको थोड़ी मुश्किल होगी। बाकी जिसको हल्का फुल्का भी बेसिक क्लियर हो उसको सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। तो आप इसको देखना, इसको अभी मैं टाइम वगैरह सब दे दूंगा। और मैं क्या है, इसके बाद हम PYQ करेंगे पिछले 2 साल के, 2022 और 2023 के। कुछ लोग 2023 का कर भी चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2022 का करो, 2021 का कर लो, अपने हिसाब से आप उसको आप वो कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो अलजेब्रा के 160 क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा के 160 क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 160 क्वेश्चंस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 25 क्वेश्चंस हैं। ये 2019 से लेके ये आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कम ही क्वेश्चंस थे तो मैंने पूरा ही ऐड कर दिया इसमें। ज्योमेट्री के आपको 165 क्वेश्चंस हैं, मेंसुरेशन के 50 क्वेश्चंस हैं, और मेंसुरेशन 3D के 65 क्वेश्चंस हैं। अच्छा अब ये ना, इसमें हम 80 80 क्वेश्चंस पर डे करेंगे। अच्छा 80 क्या आपको 80 को करना है? नहीं, आपको 80 नहीं करना है आपको। जैसे जब आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगी कि हाँ ये ऐसे एकदम ईजी वाला जो होता है वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या एक दो क्वेश्चन करो और बाकी उससे रिपीट हो ना, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो ये आपका 80 आपका 50-55 बन जाएगा, समझ रहे हो? तो 50-55 क्वेश्चन आप एक दिन में इजिली कर सकते हो। तो हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे, आप देख लो, 2 साल के क्वेश्चन सारे कर लेंगे, और 2 साल के एनफ है, आप बाद में और भी करते रहना। ऐसी बात नहीं है कि एनफ जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको अच्छे खासे बल्क में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम वीडियो लेक्चर देखेंगे, रिवीजन के लिए भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो यही था, इतना ही सब कुछ था। और हाँ, जब तक ये स्टार्ट नहीं होता, 17 से स्टार्ट होगा, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक है, आप PYQ जरूर देख लो ना, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आते चली जाएंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, बाकी मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। और हाँ, जिसने मेरा ऑलरेडी देख चुका है, मेरा 2 चैलेंज फॉलो कर चुका है, वो जरूर कमेंट करके बता दे कि उनको मेरा चैलेंज कैसा लगा, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी, जिससे बाकी लोग को भी आइडिया हो जाए। हालांकि आप मुझे पहले ही बता चुके हो, लेकिन आप एक बार और जरूर कमेंट करके बता दो कि आपको कैसा वो चैलेंज लगा। थैंक यू सो मच।